India faces major environmental challenges associated with waste generation and inadequate waste collection, transport, treatment and disposal. Current systems in India cannot cope up with the volumes of waste generated by an increasing urban population, and this impacts on the environment and public health. कचरा पड़ा है, लोग क्या करते हैं, अपने घर का कचरा या फिर होटल या फिर किधर का भी कचरा उठाते हैं और जो भी खाली जगह दिखी वहाँ पे डाल देते हैं। तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है, आते जाते टाइम जो गाड़ियाँ हैं उनको स्मेल आती है, पोल्यूशन फैल जाता है और इसकी वजह से ही बीमारियाँ आती है। अगर पुणे में अगर सर्दी भी हो गई तो उसको ठीक होने में बहुत दिन जाते हैं क्योंकि इधर का जो एनवायरनमेंट है वो लोगों ने ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर है ना आसपास जो डस्टबिन रखना चाहिए पुणे महानगर पालिका में, तो इसकी वजह से जो भी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं वो डालेंगे, जो गंदे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आएगा वो तो किधर भी डालेंगे। दिस इशू ऑल्सो मेजरली इम्पैक्ट्स स्ट्रीट वर्कर्स एंड सेलर्स। कोई साफ सफाई नहीं करते, कोई नहीं अपने घर, सब लोग आते जाते शाम को कचरा वचरा डालते जाते हैं। ये अपना तम भाजी मंडी वाला है जो आगे सामने दसर चौक में मंडी जो लगता है, जो वेस्ट मंडी जाता है ना, खराब हो जाता है, वो फेंक के चले जाते हैं वो लोग। हम लोग बकेट में जमा करके अपना जो गाड़ी आता है तो उसमें डाल के वो लेके जाता है, उनको हम महीने का 500 रुपये देते हैं, वो लेके जाते हैं। वो अलग रहते उधर रहते तो उनको इधर का बास वो आता है, उसको कोई दिक्कत नहीं ना, हम लोगों को दिक्कत होता है बोल के हम लोग कचरा को इसमें डालते हैं गाड़ी में, जो कॉरपोरेशन का बड़ा गाड़ी आता है उसमें डाल के लेके जाते हैं। As you could see, we just went ahead and spoke to people living near Baner Balewadi about the increasing garbage disposal issue. Few people and citizens came forward and raised their concern on this issue. They held responsible the citizens living here for the increasing garbage disposal. In Pune, with camera person Swajan, Anisha Chaudhary for CNews.